यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे आप तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तालिबान के सक्रिय होते ही देश के सपोलों ने भी फन उठाने शुरू कर दिए हैं। कोई तालिबान के तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है तो कोई तालिबान को शांतिपूर्ण समुदाय बताने की कोशिश में लगे हैं। कुछ मौलवी तो ऐसे भी हैं जो तालिबान के राज का अल्लाह का रहम बताते हैं, अल्लाह का कर्म बताते हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जिन्हें तालिबान इतना ही पसंद है उनका देश में क्या काम, वो बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकते हैं। जिहादी मानसिकता लिए लोगों के लिए आवाज फिर से बुलंद हो रही है। ऐसे में एक संत ने इनके खिलाफ की बात की है। जी हाँ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश में रहकर तालिबानियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्म गुरु देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करना चाहिए। तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत में रह करके यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार हैं और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके इनको जेल में डालना चाहिए। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है, हमारी सरकार है। वह उस विषय पे बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे आप तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अनुचित है और यह देशद्रोह में ही आता है। जितने भी ऐसे लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि देश में कुछ ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो आतंकवादियों का समर्थन और पनाह दे रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ओर से तालिबान का समर्थन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि वे लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भारतीय संविधान और भारत के लोगों पर भरोसा नहीं रह गया है। मुनव्वर राणा के तालिबान का समर्थन करने पर महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें भारत छोड़कर अफगानिस्तान जाने की नसीहत दी है। आपको बता दें, योगी सरकार ने आतंकवाद और तालिबानी विचारधारा को रोकने के लिए अच्छा कदम उठाया है। जिन स्थानों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, प्रदेश में ऐसे 12 स्थानों पर एटीएस की ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। ऐसे में कई लोगों को इतनी मिर्ची लगी है कि वो तालिबान का गुण गाने लगे हैं। आपको बता दें, सपा सांसद शफीकुर रहमान के बेटे ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे की बधाई तक दे डाली। इससे पहले भी सपा सांसद ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे का समर्थन किया था। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार श्री महंत नरेंद्र गिरी की बात मानती है और इन सभी सपोलों पर क्या एक्शन लेती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।